Good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें Wi-Fi study 2.0 चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल पे। एज यू नो, वाईफाई स्टडी 2.0 इज नाउ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार तेज आवाज से बोलिएगा भारत माता की जय, क्योंकि आज है वो दिन जिसकी रात में हम आज़ाद हुए थे। 15 अगस्त का दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो डिफेंस की क्लास है ना, ये 15 अगस्त का नाम सुन के ही, डिफेंस वर्ड का नाम सुन के ही जो जोश जुनून और एनर्जी अपने अंदर आती ना, उसके लिए हमेशा तैयार रहिए, उसके लिए हमेशा कोशिश करते रहिए। सुबह से मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था, नहीं तबीयत ठीक थी, मन सोचा कि आज क्लास ना लें और हम भी कहते कि आज तबीयत ठीक नहीं है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। लेकिन फिर सोचा इतने सारे स्टूडेंट्स मेरी क्लास का वेट करते हैं और कल 15 अगस्त है, छुट्टी की वजह से क्लास हो नहीं पाएगी, 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी तो दिक्कत आएगी। मैं जितना पढ़ा सकता हूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस मेरा साथ दीजिएगा, मेरी एनर्जी बैंक के मेरे साथ रहना, क्योंकि आप सब लोग जानते हो मुझे एनर्जी मिलती है आपके साथ से, आपके प्यार से। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार फिर से तेज आवाज में कमेंट बॉक्स में सब लोग यही वर्ड लिखिएगा कि वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलते हैं, आप लोग जानते हो कि अपनी क्लास 15 अगस्त को नहीं होती है, 2 दिन लगातार क्लास नहीं होगी तो इसमें आपका नुकसान होगा। चलते हैं आज के सेशन पे और उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आएगा। भले ही मेरे अंदर थोड़ी कम एनर्जी रहे, लेकिन किसी भी तरह की कमियां नहीं आने देंगे। जिस दिन मन हारने लगे उस दिन बस एक बात सोचना, मैंने ये शुरू क्यों किया था। मतलब अगर आज मेरे मन में आता ना कि आज मैं आपकी क्लास नहीं ले रहा, मेरे मन में होता आज मैं ये क्लास नहीं लूंगा, तो मेरे मन में आया कि मैंने ये शुरू क्यों किया था। क्यों? क्योंकि आपको सक्सेस दिलाने के लिए, आपको जीत दिलाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये आज का मेरा मोटिवेशन, ये मोटिवेशन मुझे मोटिवेट करते हैं, आपको एनर्जी मिलती है और आपसे हमें एनर्जी मिलती है। तो एक बार तेजी से एक बार फिर से बोलिएगा मेरे साथ जय हिंद, और सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर दो। जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जल्दी से एक सेशन को शेयर कर दो। और आज समथिंग नया करना है, समथिंग एनर्जेटिक करना है, जिसकी उम्मीद करते, शरीर भले ही साथ ना दे, दिमाग हमेशा काम करता रहेगा। चलिए तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रहा आपके सामने अब। चलिए इसका जवाब देने की कोशिश करिए। और क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन आपको दिया गया है, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ब। दिस क्वांटिटी ऑफ शुगर इज लिटिल और नथिंग स्वीट्स फॉर द फेस्टिवल रीजन। ऑप्शन आपके पास प्रिपेयर्स, टू प्रिपेयर, प्रिपेयरिंग और प्रिपेयर्ड। दिस क्वांटिटी ऑफ शुगर इज, मतलब ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है। सेंटेंस हमारा किसमें है? सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है। ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम फाइन। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है। अब लिखा हुआ इज लिटिल और नथिंग स्वीट्स फॉर द फेस्टिवल सीजन। अगर हम प्रिपेयर्स करते हैं तो एक बार फिर से हमें वर्ब की जरूरत पड़ रही है, वर्ब आ जाएगी। अगर हम टू प्रिपेयर करते हैं, मेरे पास एक वर्ब है, एक वर्ब अगर आ जाए मेरे पास और दूसरी वर्ब की जरूरत पड़े तो देखो यहाँ पर प्रिपेयरिंग का कोई सेंस नहीं बन रहा, प्रिपेयर्ड पास्ट में चला जाएगा जबकि ये प्रेजेंट में है। प्रिपेयर्स कर दें क्या? द क्वांटिटी ऑफ शुगर इज लिटिल और नथिंग, प्रिपेयर स्वीट्स, प्रिपेयर। और ये जो प्रिपेयर आएगा, टू प्रिपेयर ज्यादा सुटेबल लग रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि हमें क्या चाहिए? इन्फिनेटिव चाहिए। क्या चाहिए? और इन्फिनेटिव हमें कब मिलता है? 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इन्फिनेटिव कब मिलता है? 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और आप सब लोग जानते हो अगर आपको इस तरह के रूल्स चाहिए, तो आपको रूल्स के लिए जो अपनी 10:30 AM क्लास हमने स्टार्ट की है उस क्लासेस को देखो, और इस तरह के ढेर सारे रूल्स हमने आपको बताए हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रपोजिशन। ही क्रॉल्ड ऑन टू द बेड एंड ले बिसाइड हर, हिज एक्सप्रेशन बिकमिंग सोबर। चलो इसका जवाब दो। क्राउल का मतलब होता है रेंगना। क्राउल का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड आया हुआ है इसका मतलब होता है धीरे धीरे रेंगना। ऑन टू द बेड, बेड पर, एंड ले बिसाइड हर, हिज एक्सप्रेशन बिकमिंग सोबर, ऑफ, आउट, इन, डाउन। देखो जब कोई लेटता है तो ले डाउन हो जाता है, पूरी तरह से लेट जाता है, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ही क्राउल्ड ऑन टू द बेड एंड ले डाउन बिसाइड हर, हिज एक्सप्रेशन बिकमिंग सोबर। अगर कोई क्वेश्चन आज समझ में ना आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेशंस अपने चलते रहेंगे। वो कैप का सेशन भी है, 10:30 रूल्स का सेशन भी है, ये वाला सेशन भी है। थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहे तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर भी अगर आपको लगे कुछ कमी है तो मैं दोबारा से इन क्वेश्चंस को करा दूंगा। चूज द करेक्ट वर्ड। इन 4 स्पेलिंग में से आपको वो वर्ड बताना है जो आपका करेक्ट है। करेक्ट आप बताइएगा, चूज द करेक्ट वर्ड। सर यहाँ पे लैपटॉप में कमेंट्स नहीं आ पा रहे हैं, तो एक बार लैपटॉप्स कनेक्ट कर दीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। गाइस परेशान मत होइएगा, जब प्रॉब्लम्स आती है तो आती रहती है। चूज द करेक्ट वर्ड। एनंसिएट, एनंसिएट, एनंसिएट या एनंसिएट, कौन सी स्पेलिंग सही है? तो करेक्ट स्पेलिंग की अगर हम बात करें तो करेक्ट स्पेलिंग हमारी होती है एनंसिएट, जिसका मतलब होता है सही से बोलना, उचित बोलना। इसका मतलब क्या होता है? सही से बोलना या सही से उच्चारण करना। क्या मीनिंग होता है? सही से बोलना या सही से उच्चारण करना, तो एनंसिएट आपका सही वर्ड होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल का क्वेश्चन है योर मदर इज MLA। योर मदर इज MLA। जितने लोग भी मेरे साथ देख रहे हो परेशान मत होइएगा, सेशन को शेयर करते रहिएगा, सेशन को शेयर करते रहिए। मैं नहीं देख पा रहा हूँ कितने लोग मेरे साथ हैं, बट एक बार प्लीज आप लोग शेयर करते रहिएगा। क्लास जब खत्म होगी जितने लाइक्स हमें देखने को मिल जाएंगे मैं मान लूंगा उतने ही लोग मेरे साथ थे, जितने लाइक्स मुझे मिल जाएंगे मैं मान लूंगा उतने ही स्टूडेंट मेरे साथ थे। तो योर मदर इज MLA आप देखें तो ये आपका एक संक्षिप्त शब्द है। ये कैसा शब्द है? एक आपका संक्षिप्त वर्ड है। संक्षिप्त वर्ड को इंग्लिश में कहते हैं एब्रिविएटेड वर्ड, ठीक है। और एब्रिविएटेड वर्ड के साथ भी हम इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ए या एन का यूज करते हैं। अब MLA का जो प्रोनंसिएशन आ रहा है वो ए से शुरू होगा। MLA का प्रोनंसिएशन किससे शुरू होगा? ए से। और आप जानते हो ये ए वॉवल साउंड हो जाएगा, तो वॉवल के साथ क्या करोगे? NMLA। क्या हो जाएगा? NMLA is right option। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द स्नीर वर्ड। का आपको एंटोनिम देना है। इस स्नीर वर्ड का आपको क्या देना है? एंटोनिम बताना है। आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड स्नीर। मोर्न, अपलाउड, स्नीर ही दे दिया गया आपको। स्नीर 2 बार आ गया है, परेशान मत होना। वो मान के चलिए कि 3 ही ऑप्शन है आपके पास, आप मान के चलिए कि आपके पास 3 ही ऑप्शन है। तो स्नीर की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है ताने मारना। स्नीर का मतलब क्या होता है? ताने मारना। तो अपलाउड इसका अपोजिट हो जाएगा, तारीफ करना। अपलाउड इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, और ये क्या होता है? तारीफ करना। मॉर्न का मतलब होता, मॉर्न का मीनिंग क्या होता है? कराना। और कीन का मतलब होता है उत्सुक। कीन का मतलब क्या होता है? उत्सुक। तो सही जवाब अपलाउड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड। अगले वर्ड से पहले हम आपको बता दें कि लास्ट चांस आपके लिए, अगर अभी भी आप प्लस प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लस प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ सकते हो। NDA, एयरफोर्स, नेवी और SSR के लिए ढेर सारे स्टूडेंट ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। यूट्यूब की क्लासेज आपकी चल रही हैं, जिनसे पढ़ के आप अपने नोट्स बना सकते हो और प्लस पर जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है गिव 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट। और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको किसका देना? अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लाइफ इज मीनिंगलेस एंड रिजेक्ट ऑल रिलीजियस एंड मोरल प्रिंसिपल्स। एक इंसान ऐसा जिसको लगता हो कि जो जीवन है वो मीनिंगलेस है, जीवन कैसा है, मीनिंगलेस जीवन है। और साथ ही साथ वो सारी चीज़ों को, सारी सुखों को, चाहे धर्म की बात करें या उसकी सोच है, उन सब को वो त्याग कर दे। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? आइकोनोक्लास्ट, फेनेटिक, निहिलिस्ट या हेरिटिक। सही जवाब बताने की कोशिश करिएगा। तो देखिए आंसर है निहिलिस्ट, शून्यवादी। शून्यवादी का मतलब होता है जो बिल्कुल ही सारी चीज़ों से दूर रहना शुरू कर दे, उसे लगे कि ज़िंदगी में कोई मतलब ही नहीं है, ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं शून्यवादी। आइकोनोक्लास्ट की बात करें तो उसे हम कहते हैं जो इंसान मूर्ति तोड़ता है, मूर्ति भंजक जिसे कहेंगे। कौन? मूर्ति भंजक। फेनेटिक की बात करें तो फेनेटिक का मतलब होता है उन्मादी, जो इधर उधर की बातें करता हो या अराजकता फैलाता हो। हेरेटिक की बात करें तो हेरेटिक का मतलब होता है विधर्मी, जिसे धर्म से कोई रिलेशन ना हो, धर्म से कोई मतलब ना हो, विधर्मी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ वर्स लेटर। इसके लिए एक वर्ड देना है। अ वर्स लेटर, एपिस्टल, एपिटैप, पेनेटोमिन और ले। सही जवाब दीजिएगा। अ वर्स लेटर को हम क्या कहेंगे? देखो एक तरह से होता है एक धर्म पत्र, एक धर्मपत्र होता है। आजकल प्रेम पत्र चलते हैं, धर्मपत्र होता है, उसे बोलते हैं अवर्स लेटर। एपिटाफ की बात करें तो एपिटाफ होता है स्मृति लेख। एपिटाफ क्या होता है? स्मृति लेख, जो किसी की स्मारक, मतलब जो समाधि बनाई जाती है उस पर लिखने की कोशिश करते हैं, उसे बोलते हैं। उसके बाद आपके सामने एक वर्ड है पेनेटोमियन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का तमाशा करना या दिखावा करना, तमाशा करना या दिखावा करना। और ले का मतलब होता है दांव, स्टेक। ले का मतलब क्या होता है? दांव या स्टेक। तो सही जवाब अवर्स लेटर का क्या हो जाएगा? एपिस्टल हो जाएगा। जितने लोग भी मेरे साथ देख रहे हो, मुझे नहीं पता कितने लोग मेरे साथ इस टाइम लाइव हैं, लेकिन क्लास के बाद में जितने आप लाइक कर दोगे ना, उतने ही मुझे समझ आएगा। और सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा। ये 14 अगस्त का दिन है, ये ऐतिहासिक दिन है, ये वो दिन है जो आपको एनर्जी देगा, ऊर्जा देगा और आपको अपने मिशन में कामयाब होने की एक ताकत देगा, एक नई ऊर्जा देगा। क्योंकि कल हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और आज ये वो सेशन है जो स्वतंत्रता दिवस की रात से पहले हम अपनी तैयारी करते हैं और हम लोग यहाँ पर अपनी क्लास में इस एग्जाम के लिए तैयारी करने वाले हैं। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस, द लेसन्स ऑफ दिस नॉवल आर नॉट वर्थ रीडिंग। द लेसन्स, कौन से लेसन? 1 और लास्ट 2, 2 और लास्ट 1 या लास्ट 1 और 2 या फिर लास्ट 1 और लास्ट, क्या जवाब देना चाहेंगे इसके साथ? तो देखिए 1 और लास्ट 2, द 1 और लास्ट 2 लेसन ऑफ दिस नॉवल आर ना। अगर लास्ट 2 होता तो द 1 नहीं करते, फिर इसके साथ द 1 नहीं होता, लास्ट द 2 भी नहीं होगा, द 1 नहीं होता तो द 2 भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि 1 और 2 हमारे एक कॉर्डिनल एडजेक्टिव है। कॉर्डिनल एडजेक्टिव के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। हाँ, द लास्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो लास्ट आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव होगा जो ऑर्डर बताएगा, क्रम बताएगा, और क्रम बताने वाले वर्ड्स के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं। रूल्स की क्लास कितने बजे होती है आप सब लोग जानते हो। मैं एक बार क्लास को बता दूं कि 10 AM अपनी वोकैब की क्लास होती है, सेपरेट आपके लिए क्लास है। 10:30 AM आपकी रूल्स की क्लास होती है। मेरे को यहाँ पर आधा घंटा मिलता है। अब आधा घंटा में मैं आपको क्वेश्चन भी करा दूँ, रूल्स भी करा दूँ, वोकैब भी करा दूँ, तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। इसलिए मैंने वोकैब की क्लास को अलग कर दिया, रूल्स की क्लास को अलग कर दिया, क्वेश्चन की क्लास को अलग कर दिया। अब इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप लोग क्लास ना देखो तो ये फिर आपके लिए कमी, आपकी कमी है, मेरी कोई कमी नहीं। मैं जितना कर सकता हूँ, शरीर मेरा साथ दे ना दे, मैं सही रहूँ ना रहूँ, लेकिन मैं आपको कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। रीज़न ये है कि यार मैं सोचता हूँ कि जो लास्ट चांस है ना जिन स्टूडेंट्स का, उनके लिए मतलब दिल में एक एनर्जी आती है कि भाई इस बार इनको सिलेक्ट कराना है। जिनका पहला चांस है ना, उनके माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। जिनका दूसरा या तीसरे चांस है ना, लगता है कि यार जिन्होंने मेहनत की है ना, उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए, और इस फल के लिए वो फल ही हमें एनर्जी देते हैं। तो आप लोग भी मेहनत किया करो। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। लोथसम का सिनोनिम देना है। ऑप्शन है सीक्रेट, हाइडियस, ब्रूचल और स्टेगनेंट। लोथसम का आपको अपोजिट वर्ड सिनोनिम देना है और लोथसम का मतलब होता है घृणित। लोथसम का मीनिंग क्या होता है? घृणित, जिन चीज से हमें नफरत हो। सीक्रेट की अगर हम बात करें तो सीक्रेट का मतलब क्या होता है? रहस्य। और हाइडियस का मतलब भी होता है घृणित। ब्रूचल का मतलब होता है खतरनाक। ब्रूचल का मतलब क्या होता है? बुरी तरह से। ब्रूचल का मीनिंग क्या होता है? बुरी तरह से। ओके, और साथ में स्टेगनेंट की बात करें तो स्टेगनेंट एक ऐसा वर्ड है जिसमें ज़्यादा टफ नहीं, मजबूती से कह सकते हैं, कठोरता से कह सकते हैं, तो हाइडियस आपका इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल कंजंक्शन। देयर इज नो वे टू डिटरमाइन अ गिवन एट्रीब्यूट कम्स फ्रॉम द सोर्स और नॉट। देयर इज नो वे टू डिटरमाइन अ गिवन एट्रीब्यूट कम्स फ्रॉम द सोर्स और नॉट। हमने कई बार आपको बताया कि इस और की जोड़ी किसके साथ बनती है? वेदर के साथ। इस और की जोड़ी किसके साथ बनती है? वेदर के साथ। तो यहां पर आप देख सकते हो कंजंक्शन, जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है उसके पेयर से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और वेदर एक साथ आते हैं। हाउ का कोई सेंस नहीं। हाउ अ गिवन एट्रीब्यूट, किसी के दिमाग में सेंस तो आ रहा होगा, लेकिन कभी कभी ग्रामर के क्वेश्चन सेंस नहीं, कॉन्सेप्ट से क्लियर होते हैं, तो कॉन्सेप्ट वेदर की तरफ जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड। इस डिपेंड वर्ड का एडजेक्टिव बनाना है। इस डिपेंड वर्ड का एडजेक्टिव बनाना है। जितने लोग देख रहे हो, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट आप सब लोगों से, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मेरे पास आपके कमेंट्स नहीं है, बट प्लीज़ शेयर करते रहिएगा। तो डिपेंड का आपको एडजेक्टिव बनाना है। और डिपेंड के एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो डिपेंड का एडजेक्टिव क्या होता है? डिपेंडेंट। क्या हो जाता है? डिपेंडेंट। अगला क्वेश्चन है, गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। प्लूरल देना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप जानते हो माउस का प्लूरल क्या होता है? माउस का प्लूरल माइस होता है, बट मैं इसमें आपको एक नई चीज़ बताने वाला हूँ। माउस का प्लूरल माइस होता है, लेकिन मैं इसमें एक नई चीज़ बताने वाला हूँ कि माउस का एक मीनिंग होता है चूहा, और तब इसका प्लूरल होता है माइस। तब इसका प्लूरल क्या होता है? माइस। जब इसका मीनिंग क्या होता है? चूहा। लेकिन माउस अगर कंप्यूटर वाला यूज करें, माउस अगर कौन सा यूज करें? कंप्यूटर वाला माउस भी आपका होता है, उस कंडीशन में इसका प्लूरल क्या हो जाता है? माउसेस हो जाता है। क्या हो जाता है? माउसेस। तो दोनों हो जाएंगे। आप कैसे कह सकते हो कि माउस यहाँ पर चूहे वाला ही है? माउसेस भी तो आया हुआ है, MOUSES, तो अगर किसी ने माउसेस बोला है ना, वो भी गलत नहीं है। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ कि हमें कैसे पता चलेगा हम कंप्यूटर वाला करें या फिर हम चूहे वाला करें, कुतरने वाला करें? तो आप हमेशा याद रखो, जब भी आपसे माउस का प्लूरल पूछा जाए तो आप प्रायोरिटी माइस को दोगे। आप प्रायोरिटी किसको दोगे? ऐसे अगर डायरेक्ट पूछा जाता है तो प्रायोरिटी किसको दोगे? माइस को दोगे। फिर जब अगर सेंटेंस में पूछा जाए तो चूहे और कंप्यूटर वाले माउस में अंतर तो कर ही सकते हो ना। जब चूहे वाला पूछा जाएगा तो चूहे की बात करेंगे, उस तरह का सेंटेंस होगा। जब हम कंप्यूटर वाले की बात करेंगे तो कंप्यूटर वाला होगा। तो इनमें अंतर तो क्रिएट कर ही सकते हो। जब डायरेक्ट पूछा जाएगा तो माइस को प्रायोरिटी देना, जब आपका सेंटेंस में पूछा जाए तो आप माउसेस के साथ जाना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, However, none of the restrictions recommended here will give any problems whether it is or not. Using, use, used or usually. तो सही जवाब क्या होगा? जवाब दीजिए। However, none of the restrictions recommended here will give any problems whether it is or not. Using, it is using. यूज ऐसा वर्ब है जिसका एनजी फॉर्म यूज नहीं करते, इसके साथ यूज नहीं आएगा। यूज कर सकते हैं पैसिव में अगर सेंटेंस रहेगा, या इसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। और हमें लग रहा है कि ये सेंटेंस पैसिव में है कि हाउएवर नन ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस रिकमेंडेड हियर विल गिव एनी प्रॉब्लम्स वेदर। जो प्रॉब्लम्स या फिर सामान, जो ऑब्जेक्ट की बात की गई ना, उसको यूज तो किसी और के द्वारा ही किया गया होगा, और जब काम किसी और के द्वारा होता है तो वो सेंटेंस पैसिव में होता है। और आप जानते हो पैसिव में इज, एम, आर, वाज, वर के साथ भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर ही लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। तो इट वाज हार्ड टू से वेदर एलेक्स वाज विदहोल्डिंग फैक्ट्स सो सी कुड नॉट context his decisions or simply because he thought she had not need to know. किसी को लगेगा ये क्वेश्चन सर करा चुके हैं लेकिन इसमें उलझ जाओगे बाबू, उलझ जाओगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा. It was hard to say whether Alex was withholding facts, so she could not context his decisions or simply because he thought she had not need to know. अब एक चीज़ आप देखिए, एक बार ये क्वेश्चन हमने कंजंक्शन वाला कराया था लेकिन कंजंक्शन तो यहाँ पर ठीक है. बिकॉज ही थॉट सी हैड नॉट नीड. आप जानते हो हैड नॉट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. और डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सॉरी, डिड नॉट के साथ, डिड नॉट के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? अब यहाँ पर हैड नॉट के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर हैड की जगह आप डिड कर लो तो वो ज़्यादा सुटेबल रहेगा. सेंटेंस हमारा पास्ट में ही बना रहेगा और हैड नॉट जो है पास्ट परफेक्टली यूज होता है और डिड नॉट हम यूज करते हैं पास्ट इंडिफिनिट के लिए. हैड नॉट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जबकि डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो इस हैड नॉट की जगह डिड नॉट का यूज़ कर लो, सही हो जाएगा. नॉट तो मेरे पास ही सेंटेंस जाना पहचाना लग रहा होगा क्योंकि ये कंजंक्शन में भी कराया था, तब यहाँ पर और बड़ी गलती थी. अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स फ्रेज. इस इडियम फ्रेज का मीनिंग बताओ. टू हैव फुल हैंड्स, टू बी फुली ऑक्यूपाइड, टू बी रिच, बिकम फेमस या एन एक्सपर्ट. तो सही जवाब होता है टू बी फुल ऑक्यूपाइड, मतलब पूरी तरह से बिजी होना, पूरी तरह से व्यस्त होना, टू हैव फुल हैंड्स. अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है. द चाइल्ड सेड मदर कैन यू ब्रिंग द स्टार्स फॉर मी, मदर सेड नो. ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके जब एग्जाम्स में आते हैं तो परेशानी हो जाती है. तो देखिए, मदर कैन का कुड हो जाना चाहिए. इफ सी कुड ब्रिंग द स्टार्स फॉर हिम, मदर रिप्लाइड इन द नेगेटिव. द चाइल्ड आस्क्ड होगा, देखो टोल्ड तो नहीं होगा तो बी वाला गलत कर दिया. रिप्लाइड इंस्ट्रक्शन यूज हुआ है यहाँ पर. आस्क्ड इज मदर, दैट नहीं यूज होगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए सही आंसर. सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि देखो कैन का कुड हो जाएगा और ये मदर कैन यू ब्रिंग इंटरोगेशन, तो ऑब्जेक्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब के साथ लगाएंगे. और डब्ल्यूएस टाइप का तो नहीं है, यस नो टाइप इंटरोगेटिव है, तो इफ को हम कंजंक्शन बना देंगे. सी यू आपका मदर के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा. कैन कुड हो जाएगा, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. द स्टार्स फॉर हिम, मी आपका चाइल्ड के अकॉर्डिंग हिम हो जाएगा. ओके, मदर रिप्लाइड इन द नेगेटिव, उन्होंने नेगेटिव में रिप्लाई किया है. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चेंज द वॉइस. Change the voice. और ये the people consider that the fighters are brave. The fighters are brave. It is considerable by the people. या it is considered by the people that the fighters are brave. It is considered that the fighters are brave. They considered the fighters brave. तो सही जवाब देने की कोशिश कीजिए. देखो, जब भी sentence आए the people considered, the कंपनी कंसिडर्ड, इट इज़ कंसिडर्ड, तो हमेशा हम सेंटेंस को इट इज़ कंसिडर्ड से स्टार्ट करेंगे और दैट से जोड़ देंगे. इट इज़ कंसिडर्ड से यूज़ करेंगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी हो जाएगा. क्या हो जाएगा? दोस्तों पैसेज भी मेरे साथ है, इस पैसेज को आप वाईफाई स्टडी ऐप की पीडीएफ से डाउनलोड करके सॉल्व कर दीजिएगा. थोड़ा सा लेंदी पैसेज है, उम्मीद है कि आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मेरी हेल्थ जो इशूज़ है उनको समझने की कोशिश करेंगे. साथ ही साथ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम आपके कमेंट्स भी नहीं ले पाए, तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा. मैंने सोचा था कि इस सेशन को रिमार्केबल बनाएंगे, बहुत ऐतिहासिक बनाएंगे, बट कोई बात नहीं, हम एक दिन एनर्जी नहीं, एक दिन देशभक्त नहीं बनेंगे, हम डेली देशभक्ति दिखाएंगे. तो एडवांस में आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम. बाकी जो लोग भी मेरे साथ सोशल मीडियाज़ पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, उनके मैसेज इसका हमें इंतजार रहेगा. साथ ही साथ इस जिन लोगों ने सेशन को देखा हुआ है शेयर करना, और जो भी आपको क्वेश्चन ना समझ आओ प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर दे दूंगा. और सुनिए, 15 अगस्त से पहले जिन्होंने इस सेशन को जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके जितने लाइक्स होंगे उतने ही मुझे लाइव नज़र आएंगे, ठीक है। साथ ही साथ शेयर ज़रूर करना और आप लोग अपने विशेष ज़रूर दीजिएगा, चाहे कमेंट बॉक्स में या किसी सोशल मीडिया पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी से अगर बीमार हो जाओगे तो पेपर नहीं दे पाओगे ठीक से। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।